भाई फॉर्च्यूनर से अंधा प्यार करता था, लेकिन जब से मैंने ये वाला ब्लैक स्टॉर्म एडिशन देखा है ना, मतलब मुझे भाई मुझे इससे प्यार हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है इससे ऊपर कोई गाड़ी है ही नहीं। मतलब भाई फॉर्च्यूनर तो 50 लाख की आती ही थी, अब भाई ग्लॉस्टर भी 50 लाख में आने लगी। हाय गाइस, आजकल ब्लैक कलर कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ग्लॉस्टर में ऑलरेडी ही ब्लैक कलर आता है, लेकिन फिर भी कंपनी ने एक और बार ब्लैक एडिशन लॉन्च कर दिया है जो कि आता है ब्लैक स्ट्रोम नाम से। भाई ये करिए MG ग्लॉस्टर का डार्क एडिशन जो कि आता है ब्लैक स्ट्रोम नाम से। इसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको फुली इंटीरियर ब्लैक देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और क्रोम आपको डी क्रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको और भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं उनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, उससे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। तो भाई फ्रंट से ऐसी कुछ नज़र आती है ब्लैक MG ग्लॉस्टर, भाई ऐसे कुछ देखने को मिलता है आपको। अडेप्टिव हेडलैम्प्स जो कि आपकी कम्प्लीटली LED सेटअप के साथ आते हैं, बाकी हेडलैम्प्स आपको रेड कलर के इंसर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, बाकी ऊपर की ओर देखने को मिलती है आपको DRL, बाकी यही आपको टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है। नीचे की ओर आपको फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं, बाकी आगे की ओर आपको चार चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, और दो आपको साइड में भी रिवर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करें ग्रिल की, तो ग्रिल आपको काफ़ी ब्रॉड सी पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलती है। जी हाँ गाइस, इसमें आपको कोई भी क्रोम का वर्क देखने को नहीं मिलता, कम्प्लीटली आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल देखने को मिलती है, लेकिन लोगो आपको MG का क्रोम में ही देखने को मिल जाता है। बाकी लोगो के नीचे देखने को मिलता है आपको कैमरा, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, तो भाई साइड से ऐसी कुछ नज़र आती है ऑल न्यू MG ग्लॉस्टर। भाई बाकी आपको यहाँ पर आपको एक लिप स्पॉइलर भी देखने को मिलता है जो कि आपको रेड कलर के इंसर्ट में देखने को मिलता है। इस साइड से आपको MG ग्लॉस्टर काफी लंबी और चौड़ी देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं इसके टायर्स की, तो भाई टायर्स आपको फुली ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं, बीच में आपको MG का लोगो देखने को मिलता है। बात करते हैं इनकी प्रोफाइल की, तो भाई ये आपको 19 इंच के टायर्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ गाइस, आपको आफ्टर मार्केट टायर लगवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं इनकी प्रोफाइल की, तो इनकी प्रोफाइल है 255/55R19, यानी कि 19 इंची के आपको टायर देखने को मिलेंगे। आपको रेड कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको इसके जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ब्रिट डायनामिक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बात करें ORPMs की, तो ORPM आपको काफ़ी ब्रॉड देखने को मिलते हैं, देख रहे हो एक दो इतने ज़्यादा आपको ब्रॉड ORPM देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। बाकी नीचे को आपको देखने को मिलता है 360 डिग्री कैमरा, और यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्टर लाइट भी देखने को मिल जाती है जो कि MG प्रोजेक्ट करती है। बाकी इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको हीटेड ORPM देखने को मिलेगा, और अगर आप इसे रिवर्स करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ORPM नीचे हो जाएगा, यानी कि आप इसे अच्छा व्यू ले सकते हैं। बाकी इसमें आपको मेमोरी फंक्शन भी देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस, ORPM में आपको मेमोरी फंक्शन भी देखने को मिलता है, मतलब हर कोई अपने हिसाब से ORPM एडजस्ट कर सकता है। बाकी आपको क्रोम में डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी क्रोम का पार्ट देखने को नहीं मिलता। फुली इंसर्ट्स आपको पियानो में देखने को मिल जाता है, बाकी ऊपर की ओर आपको रूफ रेल देखने को मिलेगी, और सबसे ऊपर की ओर देखने को मिलता है आपको सनरूफ। बाकी यहाँ पर गाड़ी काफ़ी ऊँची है, इसीलिए आपको एक फुटरेस्ट जरूर देखने को मिल जाता है। तो भाई रियर से ऐसी कुछ नज़र आती है ऑल न्यू MG ग्लॉस्टर, भाई इसमें आपको कोई भी क्रोम का वर्क देखने को नहीं मिलता, फुली ब्लैक कलर में आपको वर्क देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको इंटरनल इस साइड की बैचिंग भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी, ग्लॉस्टर की ब्रांडिंग भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। बाकी MG का लोगो आपको क्रोम में देखने को मिलेगा, रियर वाइपर डी फॉगर एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाता है। बाकी टेल लैंप्स आपको फुली LED देखने को मिलते हैं जो कि आपको ये वाले ऑलवेज ऑन मोड में देखते हैं। बाकी यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी बात पीछे की ओर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, और आपको 4 एग्जॉस्ट का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। बाकी आपको 4-व्हील ड्राइव की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, एडास की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। भाई इस गाड़ी में आपको Level 1 का एडास देखने को मिल जाता है, भाई ये इंडिया की पहली गाड़ी थी जिसमें आपको एडास देखने को मिलता है। और बात करें इसके एडास के सेंसर की, तो यहाँ पर आपको एडास का सेंसर भी देखने को मिल जाता है। ये इसका एडास का सेंसर, भाई इंडिया में फर्स्ट टाइम इस गाड़ी से ही एडास इंट्रोड्यूस हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर को। इंटीरियर में जाने से पहले दिखाता हूँ इसकी की, भाई की आपको वही टिपिकल नॉर्मल देखने को मिलेगी, MG का लोगो, लॉक अनलॉकर, इसे होल्ड करके रखते हो तो भाई बूट भी ओपन हो जाएगा। तो चलिए एंटर करते हैं इसके इंटीरियर में। तो गाइस, दिस इज द इंटीरियर ऑफ ऑल न्यू ब्लैक स्ट्रोम MG ग्लॉस्टर। भाई इंटीरियर आपको फुली ब्लैक कलर में देखने को मिलता है जो कि इसकी खूबसूरती को काफ़ी बढ़ा देता है, यानी कि इसे माफिया लुक दे देता है। अगर ये इंटीरियर थोड़ा बीज कलर का होता तो इसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन जैसे ही इसमें ब्लैक इंटीरियर हुआ तो भाई गाड़ी में 4 चांद लग गई।
दिस इज द इंटीरियर ऑफ एमजी ग्लोस्टर ब्लैक स्ट्रोम एडिशन। भाई ये है फुली ब्लैक इंटीरियर। भाई इंटीरियर इतना ज्यादा खूबसूरत है, यानी कि मैं यहाँ पर हाथ रख दूं, एमजी का लोगो छुपा दूं, तो आप पहचान नहीं सकते कि भाई ये एमजी की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी। मतलब ऐसी लगती है कोई बीएमडब्ल्यू ऑडी वॉडी हो, मतलब क्या प्रीमियम इंटीरियर बनाया है भाई। और एक तो सबसे अच्छी बात यह कि ये ब्लैक हो गया तो और भी खूबसूरती आ गई। और सबसे अच्छी बात पूरा का पूरा इंटीरियर आपको सॉफ्ट टच फिनिश पे देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच फिनिश, डोर्स पर भी आपको सॉफ्ट टच फिनिश, कहीं भी आपको हार्ड टच फिनिश देखने को नहीं मिलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके स्पीडोमीटर से। तो स्पीडोमीटर आपको सेमी डिजिटल देखने को मिलता है, यानी कि आपको स्पीड और आरपीएम आपको मैनुअल पता चलेगा, बाकी बीच में आपको एमआईडी देखने को मिल जाती है। स्पीड आपको 220 तक देखने को मिलती है, बाकी 6000 तक आपको आरपीएम देखने को मिल जाता है। बीच में आपको एमआईडी देखने को मिलती है जो कि काफी ब्रॉड है, 6 इंचेस की आपको एमआईडी देखने को मिलती है, जिसमें आप कितना चलेगी, रेंज कितनी है, फ्यूल एमपीटी कितना है, कितना फ्यूल है, कितना टेम्परेचर है, सारा कुछ आप एमआईडी में पता कर सकते हो। बाकी बात करते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको डी कट स्टेयरिंग व्हील, जो कि आपको फुली लेदर रैप देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्रूज कंट्रोल, बाकी इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको एमजी का लोगो देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको रेड टच फिनिश देखने को मिल जाती है, यानी कि पूरे इंटीरियर में और एक्सटीरियर में भी आपको रेड कलर के इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके सेंट्रल कंसोल की, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको सेंट्रल कंसोल में आपको 14 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि बीएमडब्ल्यू टाइप फ्लोटिंग डिस्प्ले है। इसमें आप एसी वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो, मतलब काफी सारे बथेरे फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसका टच रेस्पॉन्स भी आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, कोई लैग वगैरह भी नहीं है, जैसे कि इसका 360 डिग्री कैमरा। लेकिन भाई कैमरा वास्तव में गंदा है, मतलब देख रहे हो 3D कैमरा लगाता हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना धुंधला कैमरा, खैर छोड़ो। बाकी नीचे को देखने को मिलता है आपको एसी की बेंड्स आपको काफी ब्रॉड से बड़े देखने को मिलते हैं। बीच में आपको 1000 लाइट ऑन या ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है। और सबसे नीचे को देखने को मिलता है आपको एसी के कंट्रोल्स, एसी इसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, मतलब इस साइड वाले अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, इस साइड वाले अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, और पीछे वाले अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और करते हैं बंद, बात करते हैं इसके गियर नॉब की, तो भाई प्रीमियम से आपको गियर नॉब देखने को मिलता है, देख रहे हो कितना प्रीमियम है, जैसे कोई बीएमडब्ल्यू वगैरह का गियर नॉब हो, रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव। बाकी इस साइड आपको वेंटिलेटेड सीट्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं, बटन्स देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको हीटेड एंड कूल दोनों ही टाइप की सीट्स फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब ऑटोमेटिक पार्किंग का, 4x4 इंगेज करने का, और भी भाई काफी सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। भाई ये 4x4 वाली एमजी ग्लोस्टर। बाकी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलती है, ऑटो होल्ड का फंक्शन देखने को मिलता है, और सेट देखने को मिलता है आपको कुछ कंट्रोल, जैसे कि स्पोर्ट, स्नो, मड एंड रॉक एंड सैंड, यानी कि आपको मोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये स्नो मड वगैरह। और बाकी यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको चाबी के लिए जगह देखने को मिलती है, यानी कि आप यहाँ चाबी रख सकते हो, चाबी के लिए स्पेसिफिक जगह बनाई गई। बात करते हैं इसके हैंडरेस्ट की, तो भाई हैंडरेस्ट आपको 2 साइड ओपन वाला मिलता है, यानी कि दोनों ऐसे एक साइड अपनी साइड। बाकी इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी देखने को मिलता है, और भाई इसमें आपको एक USB का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप चार्ज वगैरह भी कर सकते हो। बाकी ऐसे करते हैं इसे बंद, बात करते हैं इसकी IRBM की, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको ऑटोमेटिक IRBM, यानी कि ऑटो डिमिंग IRBM। ऊपर की ओर आपको लाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको सनरूफ के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको सनग्लास होल्डर देखने को नहीं मिलता। ऊपर की ओर आपको सनवाइजर देखने को मिलता है, सनवाइजर पर आपको वेंटी मिरर विद लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, इस साइड भी आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं और मिरर के साथ। बात करते हैं इसके ग्लोव बॉक्स की, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है ग्लोव बॉक्स, जो कि काफ़ी डीप है और सॉफ्ट क्लोज है, यानी कि धीरे धीरे खुलता है, मतलब थोड़ा बहुत स्पेस है लेकिन ठीक ठाक स्पेस है। बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर के कंट्रोल्स की, तो ड्राइवर साइड डोर पर आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, और डोर लॉक एंड अनलॉक करने के बटन भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी ORV एडजस्ट करने के बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर का बटन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेस देखने को मिलता है, देख रहे हो यहाँ पर आपको कुछ स्पेस देखने को मिलता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको डोर हैंडल। बाकी पूरी की पूरी आपको लेदर रैप्ड फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके रियर सीट पर, और देखते हैं रियर सीट पर कितना कंफर्ट देखने को मिलता है। गाड़ी को करता हूं मैं बंद और चलते हैं इसके रियर सीट पर। भाई ये है कैप्टन सीट वाली एमजी ग्लोस्टर, इसमें आपको कैप्टन सीट देखने को मिल जाती है,
जिनमें आप काफी अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब देख रहे हो काफी महाराजा टाइप पोज, मतलब पोजिंग है, यहाँ से आप आराम से बैठ सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं दो एडजस्टेबल। बाकी यहाँ पर देखने को मिलता है आपको एसी के कंट्रोल्स, पीछे वाले अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर वगैरह देखने को मिलती है, ऊपर को आपको एसी के बेंट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक टेबल लैंप भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा, पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, डोर ओपनर देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, स्पीकर्स आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। बाकी बात करें इसके थर्ड रो सीट्स की, तो थर्ड रो में जाने के लिए यहाँ से आप एंटर करके थर्ड रो में बैठ सकते हो। दिस इज द थर्ड रो स्पेस। थर्ड रो में भी ठीक ठाक स्पेस है, ऐसा नहीं कि कम स्पेस है। बाकी भाई ये इसका 4x4 वाला ब्लैक स्टो मेडिसन, बात करते हैं इसके एक्सरूम प्राइस की, तो भाई इस पर्टिकुलर वेरिएंट का यानी कि 4x4 वाले वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस है 44,07,000। जी हाँ गाइस, 44,07,000 है इसका एक्सरूम प्राइस। बाकी बात करें ऑन रोड प्राइस आगरा की, तो भाई ऑन रोड प्राइस आगरा में भाई ऑलमोस्ट ये 50,00,000 को टच करती है। बात करें फिक्स प्राइस की, तो भाई इसका ऑन रोड प्राइस है 49,72,000। भाई इसका ऑन रोड प्राइस देख रहे हो, मतलब भाई फॉर्च्यूनर तो 50,00,000 की आती ही थी, अब भाई ग्लोस्टर भी 50,00,000 में आने लगी, मान गए एमजी वालों। तो भाई बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की, तो भाई इसमें आपको 2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलता है, जिसके पावर फिगर की बात करें तो भाई 212 bhp की पावर, यानी कि 212 bhp की पावर और 478 nm का मैसिव टॉर्क निकाल कर देती है। जी है, इसमें आपको 478 nm का टॉर्क एंड 212 bhp की पावर देखने को मिल जाती है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।